Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you are in good class. And as you know that you are healthy and wealthy class. Now, class, we have discussed our chapters. We are discussing our chapters. That is the relation and functions. Relation and functions के पहले जो background होता है, I have already given Cartesian product क्या होता है, है ना, order pair. And different things, whatever, what types of tools you need to solve relations, and relations को solve करने में जो भी tools की जरूरत थी, class I have given to you. Now let us up जो time है, that is the relations की what is the relations, हम लोग relations के बारे में जानेंगे कि relations होता क्या है ना. तो पहले देखो रिलेशंस को जानते हैं हम लोग एक डायग्राम के थ्रू, है ना, कि रिलेशंस क्या होता है. वैसे तो सबको पता है कि रिलेशंस क्या होता है और कैसे जो होता है ना सब. क्लास, रामायण को सबने देखा है और इस लॉकडाउन में रामायण ना देखा हो ऐसा हो नहीं सकता, है ना. और सभी ने देखा, बहुत जो होता है अच्छे टीआरपी के साथ टीवी वालों ने चलाया, है ना. और ये हमने आज रामायण के ही कुछ पार्ट, शायद आपने कुछ ध्यान से देखे होंगे कुछ नहीं, तो उन्हीं के रिलेशंस को हम लोग दिखाते हैं कि क्या था. आपको पता था कि राजा दशरथ की तीन पत्नी थी, कौशल्या. कौशल्या वही बड़ी है ना, सबसे बड़ी जो होता जो रानी थी वो यही थी. कैकेयी, कैकेयी ने, आपको कैकेयी का पार्ट तो भूल ही नहीं सकते हो. कैकेयी ने क्या किया था, 14 वर्ष के जो वनवास राम को भेजा था वो किसने भेजा था, कैकेयी. और कैकेयी के कारण ही राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी. प्लस और तीसरा जो होता है, ये तीन पत्नी थी सुमित्रा, है ना. ये राजा दशरथ की तीनों पत्नी थी, है ना. सुमित्रा सबसे छोटी, लक्ष्मण लक्ष्मण की माँ, है ना, लक्ष्मण की माँ. ये कौशल्या जो थी वो राम के, है ना. और जो कैकेयी जो है वो भरत और शत्रुघ्न है. क्लास, यू वेल नो अबाउट दिस, है ना. ये देखो कौशल्या दशरथ जो राम हुए थे वो कौशल्या थे, है ना. और कैकेयी जो हुए, कैकेयी से हुए थे भरत और शत्रुघ्न. और जो होता है सुमित्रा जो तीसरी पत्नी थी उससे लक्ष्मण हुए थे. प्लस तो देखो ये मैं पत्नियों का रिलेशंस बता रहा हूँ, तो खानदानी थोड़ी खानदान मुझे बता. प्लस देखो राम की जो वाइफ थी वो सीता कौन हुए, है ना, सबको याद है. लक्ष्मण की क्या थी, उर्मिला. उर्मिला जो 14 साल तक जो होता है अपने पति को वनवास भेजने के बाद इंतजार करते रहे, सबसे ज्यादा कष्ट ये लक्ष्मण उर्मिला को ही हुआ था. और ये जो होता है भरत की वाइफ थी मांडवी और शत्रुघ्न के थे सुकृति, है ना, सुकृति. हाँ, इनके वाइफ का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, भरत के तो पता ही है, मांडवी जो होता है वो थी. तो ये क्या है, एक तरह का रिलेशन है. किस तरह का रिलेशन है, वाइफ और हस्बैंड वाले, है ना. तो इसमें देखो एक दूसरे से हमने मैपिंग करा है, मैपिंग करा है. तो ये मैपिंग कैसा मैपिंग है, ये मैपिंग कैसा है वाइफ एंड हस्बैंड का. मैं ये देखो अगर राम कहता तो कौशल्या से भी हो सकता था, है ना. और लक्ष्मण कहता तो सुमित्रा से भी हो सकता, भरत जो है ना वो कैकेयी के हैं, शत्रुघ्न कैकेयी के. अगर माँ बेटा वाला रिलेशन लेता तो, है ना, ऐसे भी जो होता है हम लोग. तो यहाँ पे जो रिलेशंस है क्लास वो क्या है, वाइफ एंड हस्बैंड का, ठीक है ना. सो वी हैव टेकन दिस रिलेशंस, है ना. और जिसको जिसने रामायण में पता नहीं होगा कि किसकी कौन वाइफ है ना, वो उसे पता भी हो गया होगा. तो क्लास लेट अस हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली है क्या. तो देखो ये हमारा जो होता है ना वो डोमेन है, यानी कि ये रिलेशन रखता है, है ना, कि ये डोमेन है ना ये. और रेंज कहाँ पे जा रहा है, वाइफ का.
रेंज कहाँ जा रहा है, वाइड, यानी कि ये जो होता है हमारा है ना रेंज हो गया, ये जो बी जो है सेट ए, इसको हम लोग कहें सेट ए और इसको हम लोग बोले सेट बी, तो इन दोनों का रिलेशन है ना कहा ये हमारा रेंज कहलाता है, रेंज है ना, और ये हमारा डोमेन कहलाता है, क्लास क्या कहलाता है डोमेन। अब देखो ये जो होता है रिलेशंस कैसा है ना, रिलेशंस कैसा है, आर इक्वल सबसे ए क्रॉस बी, अब ये जिसका जो भी रिलेशंस है वो क्या होता है, इसी से तो रिलेशन है, ए क्रॉस बी में ही तो रिलेशंस बता रहा हूँ कि कुछ और मैं बता रहा हूँ नहीं, इसी में जो होता है, जैसे कि देखो आप ले सकते हो कि दशरथ, दशरथ क्या है, दशरथ दशरथ का रिलेशन किसके है, कौशल्या से, कौशल्या से है ना, कौशल्या से, फिर दशरथ का किससे है भाई है ना, दशरथ का किससे रिलेशन है, कैकेयी से है ना, कैकेयी से, और फिर जो होता है आपका ये दशरथ का फिर किसके साथ रिलेशन है, दशरथ का फिर किसके साथ रिलेशन है, सुमित्रा से है ना, सुमित्रा से, और राम का, राम का किसके साथ है, सीता से, ठीक है ना, और लक्ष्मण का है ना, लक्ष्मण का किसके साथ है, तो उर्मिला से, उर्मिला है ना, और भरत किससे है, भरत, भरत का जो है मांडवी से है ना, मांडवी से, और इसी तरह से ये तो किसका क्या है, ये सबसे रिलेशंस का ही तो सबसे है, माना कि हमने सारा दिया लेकिन ये तो सबसे तो रिलेशंस का ही है ना, तो इसी को हम लोग रिलेशंस कहते हैं। अब हम लोग सेट में जो होता है डिफाइन करेंगे कि रिलेशंस क्या होता है ना, ये रिलेशंस जो होता है सेट में हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या है, ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर हम लोग बात करें रिलेशंस की, क्लास देखो अब हम लोग ने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, रिलेशन को डिफाइन इसलिए है लेट ए एंड बी विद टू सेट, दो सेट है ए और बी, देन और रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए है ना, दस आर इज अ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे जो होता है एक हम लोग जो होता है छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, इफ है ना ये दिया हुआ ए इक्वल टू है 1 2 3, ये ए है कोई भी सेट ए है, एंड दूसरा कोई भी सेट ले लेता हूं है ना बी है ना, ये क्या है ए बी और सी, ठीक है, तो और एक रिलेशंस इसमें दिया हुआ है आर इक्वल टू, आर इक्वल टू क्या रिलेशन दिया है 1B, 1B, 2C, है ना 2C एंड 1A, 1A एंड 3A, ये 3A, ये रिलेशंस कोई भी दिया हुआ है, ये आर कोई भी रिलेशंस दिया हुआ है क्लास। तो देखो क्या ये फर्स्ट व्हाट वी विल ऑब्जर्व है कि ये रिलेशंस है, इन्हीं में से पहले A क्रॉस B का सबसेट ये होना चाहिए, अगर A क्रॉस B का ये सबसेट है तब सबसेट होना चाहिए, तब ये जो होता है ना होगा रिलेशन, अगर ये इस कोई भी सबसेट अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि देखो अब ये पहला काम किसका है, पहला ये सारा जो होता है इसका है, जैसे कि देखो A क्रॉस B पहले निकाल लेते हैं, 1A है ना, 2A, 3A,
ठीक है ना, फिर ये फिर क्या होगा, टू ए सॉरी वन बी है ना, टू बी और थ्री बी, थ्री बी ठीक है। फिर सी से लेते हैं वन सी है ना, टू सी एंड थ्री सी, ये इसका जो होता है टोटल जो होता है ना क्लास ए क्रॉस बी है। और ए क्रॉस बी जो होता है टोटल ये इवन है, तो इसमें देखेंगे ए बी है वन और ए बी है, हाँ ये है तो ये रिलेशन ठीक है। टू सी है टू 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 सी है, चलो ये है वन ए है वन 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 ए है, थ्री ए है थ्री ए है, कन्फर्म हो गए कि ये इसी का सबसेट है, इसका सबसेट है क्लास। तो जो रिलेशंस में है होगा उसको हम लोग लिखते हैं जैसे वन रिलेशंस बी ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे है ना, टू रिलेशन सी है ना, और अगर जो होता है देखो वन रिलेशन ए, थ्री रिलेशंस, थ्री रिलेशंस ए, ये सब है तो हम लोग लिखें ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो नहीं। अब देखो ये जो होता है ना वन ये थ्री सी, थ्री सी रिलेशन में नहीं है तो थ्री ये जो होता है ऐसे कट करेंगे सिंबल, ये थ्री सी रिलेशंस में नहीं है। तो जो रिलेशंस में नहीं है उसको हम लोग नहीं लिखते, जैसे ये देखो टू बी टू बी टू बी नॉट रिलेशंस, तो नॉट रिलेशंस के लिए ऐसे कट कर देते हैं, रिलेशंस के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं। क्लास क्लियर है ना, बिल्कुल जो होता है क्लियर है। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और उसके बाद मैं समझाता हूँ कि क्या है और भी क्लियर होगा है ना। जैसे कि क्वेश्चन टाइप में हमने ले लिया ए बी सी डी एल पी क्यू आर लेफ्ट ठीक है, एक कोई भी सेट है इफ ए बी सी ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी, कोई भी सेट है ए बी सी, बी है इक्वल टू पी क्यू आर और एस, ये है देन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस करता है, देन विच which of the following are which of the following are relations ठीक है ना, from a to b, तो क्लास चल रहे देखो पहला रिलेशन इसका दिया आर वन ए पी है ना, ए पी बी आर है ना और सी एस, पहला हो गया रिलेशन ये दिया हुआ। इसका दूसरा जो होता है रिलेशन दिया हुआ है आर टू है ना, क्यू बी क्यू बी सी एस एंड डी आर ठीक है ना, ऐसे करते हैं। और थर्ड दिया हुआ है रिलेशन आर थ्री दैट इज द हो ए पी ए पी ए क्यू है ना, डी पी डी पी सी आर एंड बी आर, ये है। और ये जो होता है चौथा में दिया हुआ है आर को इक्वल टू ए पी ए पी क्यू ए है ना बी एस ठीक है एस बी, ये सब जो होता है रिलेशंस में है या नहीं है। तो पहले सबसेट हम लोग इसको चूज करेंगे, देखो अब इतना नहीं करने जाएंगे, इसका एक क्रॉस चार चार का है तो चार चार का हम लोग निकालेंगे, पहले देख लेते हैं ए और बी, ए और बी रिलेशन में बी आर
जी आर है रिलेशन में, सी एस सी एस सी एस है रिलेशन, क्यू बी क्यू 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 बी, देखो ये तो नहीं उल्टा हो गया है ना, ये उल्टा हो गया, ऑर्डर पेयर गड़बड़ है, क्यू क्यू बी सी एस सी 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 एस, देखो इसका ये ले रहा है, इसका ये ले रहा है, ये अलग है, ये अलग है ना, तो ये तो नहीं रिलेशन में होगा। ए पी ए पी है, ए क्यू है, ठीक है ना, डी पी है ना, और सी आर है, और बी आर है ना। तो देखो ये रिलेशंस में है या नहीं, ये रिलेशंस में है या नहीं बताओ, ये बिल्कुल हो जाएगा रिलेशंस में, ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो रिलेशंस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये क्या ए पी, ए पी हो गया ए, अब देखो यहाँ ए पी और क्यू ए, ये क्यू ए ऑर्डर पेयर चेंज है, बी एस और एस पी ना, ये ऑर्डर पेयर चेंज है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ऑर्डर पेयर चेंज हुआ रिलेशंस नहीं होगा, जो हुआ मायने में वही जो होता है रिलेशंस में होगा, अदरवाइज है ना नहीं होगा, जो रिलेशंस में है तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। आर थ्री ये जो होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इट इज इन रिलेशंस है ना, और इसको लिख देंगे आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ये जो होता है लिखेंगे आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है ना, इसलिए ये यहाँ पे होगा, और यहाँ पे लिख देंगे क्लास आर इज अ नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हो गया आपके पास आर कोड रिलेशंस में नहीं है, रिलेशंस में नहीं है, ये सारे रिलेशंस में है क्लास, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द विच आर इन द रिलेशंस और विच आर नॉट इन द रिलेशंस, होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द क्लास। क्लास देखो ये सब जो होते हैं तो सारे रिलेशंस हो गया, अब कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, तो सपोज करो कि इसके कितने हैं, ए पर पावर कितना है, ये रिलेशन टू टू दिपर एक दो तीन चार पर फोर है ना, और ये कितने हैं दो 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 चार है ना, टू पर पावर ये जो होता है बी, बी जो होता है टू टू दिपावर फोर, तो टोटल पता है आपको आपके पास कितने रिलेशंस हो जाएंगे, ए क्रॉस बी करो है ना, टू इंटू टू टू दिपावर फोर और टू इंटू टू टू दिपावर फोर, तो क्या होता है बताओ, टू टू दिपावर फोर प्लस फोर है ना, यानी टू टू दिपावर एट, इतने सारे रिलेशंस होंगे है ना, अगर ए क्रॉस बी हम लोग करते हैं तो, ठीक है ना, यानी कि अगर जो होता है आपके पास कोई भी जो होता है एम है किसी पे, ये इतने सारे, अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए क्लास नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर जो हमें जानना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, तो लेट ए एंड बी बी एनी एनी टू नन वाइड सेट है ना, नन वाइड सेट या नॉन एम्प्टी सेट है ना, फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी नॉन वाइड फाइनाइट फाइनाइट सेट हो, अगर कोई भी जो होता है फाइनाइट सेट हो है ना, कंटेन है ना, कंटेन कंटेन एम एंड एन एलिमेंट है ना, एम एंड एन एलिमेंट, अगर किसी में एम और एन एलिमेंट अगर
है तो आप a क्रॉस b इक्वल टू 2 को दिखा रहा है m इनटू n इतने सारे होंगे, ठीक है ना, 2 को दिखा रहा है इतने होते हैं, इतने सारे जो होते हैं इसके रिलेशंस बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर a में 4 मेंबर है और b में 4 मेंबर है या 5 मेंबर है तो a क्रॉस b का जो मेंबर बनेगा 2 को दिखा रहा है 4 × 5 यानी 20 मेंबर्स इसके बनेंगे। 20 ये तो पावर 20 है, सोचो कितने बनेंगे, है ना, इमेजिन करना भी मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है ना क्लास। अब जो होता है हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पावर, है ना, रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते थे दो फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म, है ना, और क्या था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस रिलेशंस को भी हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो चलो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए चलते हैं कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। क्लास देखो ये सब रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है। पहला है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बाय एरो डायग्राम एंड बाय लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये जो होता है एरो डायग्राम ये सब आपको सुनाऊंगा कि लाइक दिस मेथड, उसमें ग्राफ पे जो ग्राफिकल मेथड जो होता है हम लोग जो यूज करते हैं उसी को लाइक दिस मेथड बोलते हैं। तो क्लास कहता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ द रिलेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट of all the ordered pairs belonging to R, है ना, ये जो होता है R में है। Let कर लेंगे, let A equal to ऐसा ले लेता हूँ -2, -1, 0, 1 and 1, 2। ये कोई हमारा एक set मैंने ले लिया, है ना, 1, 2, है ना। और set B जो है एक जो होता है ले लिया 0, 4, 0, 4, 9, 0, 4, 9, 10 कुछ ऐसा हमने ले लिया क्लास, ठीक है ना, ले लिए। अब देखो इसमें जो होता है हम लोग को रिलेट करना है और रिलेशंस दिया हुआ है ए आर बी इक्वल टू, है ना, क्या रिलेशंस है ए और बी में जो रिलेशंस है वो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी यानी ये इसका स्क्वायर है। तो बताओ तो ये जो है ए का जीरो से क्या होगा, जीरो का रिलेशंस जीरो से होगा, जीरो का रिलेशंस जीरो का होगा और -2 का रिलेशंस 4 से होगा, है ना, और -1 का रिलेशंस 1 से होगा और 1 का रिलेशंस भी जो होता है 1 से होगा, है ना, और 2 का भी रिलेशंस किससे होगा, 2 का रिलेशंस 4 से होगा, है ना, ये सारे रिलेशंस है, ठीक है ना बात। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कैसे r इक्वल टू ये जो होता है 0, 0, -2, 4, -1, 1, 1 और 1, 2 and 4 ये हो गया हमारा रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में। ये जो होता है रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट में भी सीखा था कि जब जो होता है इसको हम लोग एक जो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं क्लास। सो इट इज सेट, सॉरी रोस्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो देखो ये जो होता है रिलेशन इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बार बार जो होता है कह देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, चलो सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये भी थोड़ा सा जो होता है देखा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है। क्लास
लिसन नाउ सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म द रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ए आर इक्वल टू ए बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स ऑर्डर पेयर चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्लस यहां भी जो होता है ऑर्डर पेयर चेंज नहीं हुआ, सेटिस्फाइड द रूल को क्या करे सेटिस्फाइड करे, है ना। तो रूल को सेटिस्फाइड जो करेगा वो उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है ना, ऐसा है ठीक है। और दूसरा जो होता है बी इक्वल टू है ठीक है 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 1 अपॉन 5 है ना, इस तरीके से जो होता है 1 अपॉन 6 ऐसे जो होता है जा रहा है। तो क्लास यहां पर जो होता है जो रिलेशंस जो बन रहा है हमारा आर इक्वल टू क्या बनेगा 1 1 2 2 1 अपॉन 2 यही बन रहा है 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 ऐसा दिया है बन क्या रहा है ऐसा अगर जो दिया रहे रिलेशंस है ना, रिलेशंस आपके पास गिवन है 4 1 अपॉन 4 है ना, इस तरीके से आपको दैट इज आगे बढ़ना है। तो इसको हम लोग इस रिलेशंस को हम लोग कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे वो मैं बता दूं। आर इक्वल टू क्या हो गया ए एंड बी है ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी है ना, बी बिलोंग्स टू बी और रूल क्या फॉलो कर रहा है ना, एंड ए ए इक्वल टू 1 अपॉन बी ये रूल है ना, ये रूल को इंडिकेट कर रहा है। मेन पॉइंट जो होता है आपका ये है ना रिप्रेजेंट करने का, ये रूल नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये रूल लिखना है, ये तो सब में होगा जितना तक तो कॉमन है, बस केवल ये रूल आपको लिखना है इंडिकेट करना है जो फॉलो कर रहा है जो रिलेशंस में दिया हुआ है उस रूल्स को आप आइडेंटिफाई करो और उस रूल को रिप्रेजेंट करना है क्लास, ठीक है ना, समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। और हम लोग जो होता है नेक्स्ट अब एरो मेथड में चल रहे हैं कि एरो मेथड से कैसे जो होता है फाइंड आउट कर। क्लास देखो बाय एरो डायग्राम मेथड, एरो डायग्राम में क्या करना है सिंपल सा एरो जो होता है बना करके हमें करना है। सपोज कोई भी एक रिलेशंस ले लें है ना, एक सेट पहले तो रिलेशंस लेता हूँ कि रिलेशंस क्या है, लेट आर इक्वल टू 1 2 1 2 2 4 2 4 3 2 3 2 एंड 1 3 1 3 और 3 4 3 4 ये है इस तरह से 3 4 ये जो होता है कोई भी रिलेशंस है क्लास, ठीक है। तो देखो इस रिलेशंस को हम लोग एरो में पैक कर रहे हैं, इसका ए क्या हो जाएगा यू वेल 1 2 1 2 3 और तो कोई, और बी कंपोनेंट क्या हो जाएगा क्लास इसका 2 4 बस यही तो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है कोई भी एक रिलेशंस ए लेता हूँ 1 2 3 और फिर एक कोई भी रिलेशंस बी लेता हूँ ये क्या है 2 और 4 तो 1 का 2 से रिलेशंस है ना, और 2 का 4 से रिलेशंस है ना, 2 का 4 से 3 का 2 से रिलेशंस है ना, और 1 का 1 का 3 से, अच्छा ये तीसरा कंपोनेंट 3 भी है 2 2 4 और 3 भी है क्लास, सो वी कैन राइट हियर 3 है ना, यहाँ भी 2 बीच में तो ये हो गया 2 का 1 का 3 से 1 का 3 से और 3 का 4 से ये जो होता है ऐसे जो होता है एरो डायग्राम हो गया क्लास, है ना। कि आप एरो डायग्राम से कैसे जो होता है रिप्रेजेंट
कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी है। पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका सेट ए क्या है, सेट बी क्या है ना, उसके बाद में जो है रिप्रेजेंट करेंगे क्लास। अब इसमें करता है लैटिस मेथड में क्या करता है, इन दिस फॉर्म द रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्किंग द डार्किंग द डॉट इन द लैटिस ए क्रॉस बी विच रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर इन आर के फॉर्म में ऑर्डर पेयर जैसे -3, -4, -1, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 ये जो होता है ना, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले तो ए लिख लेंगे। ए हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट -3, -2, -1, 0 और है, अच्छा ये भी 1 है, 2 है, 3 है, ये सब। अरे बी हमारे पास क्या है, क्लास बी हमारे पास क्या है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 1 तो मैंने लिख दिया, 4 है, ठीक है ना, और 9 है, ऐसे है क्लास। ये बी का हो गया। इसी तरह से आप क्या करोगे, एक जो है ना, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में आप रिप्रेजेंट करो, जैसे ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें यहाँ तक तो है ना, 1, 2, 3, 4 ये सारे माइनस में, ये क्लास एक्सप्रेशन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़्यादा हाँ 8, 9 है ना, 9 देखो। अब ये जो होता है -3 और 9 है ना एक्स एक्सिस पे और 9 ये जो है ना क्लास -3 और 9 ऊपर देखो -2 और 4 ये जो होता है ये हो गया -2 और 4 -1 और 1 प्लस ये हो गया -1 और 1 0 0 कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 1 है ना, तो 1 1 ये आपका 1 और 1 आ गया। उसके बाद 2 4 2 ये 2 और ये 4 2 4 है ना, 3 9 3 है ना और 9 ये 3 9 ऐसे हम लोग ग्राफ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको लैटिस मेथड कहते हैं क्लास। इसको क्या कहते हैं, लैटिस मेथड। तो क्लास टुडे वी हैव लर्न्ड अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शंस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वायरो मेथड और लैटिस मेथड हमने सीखा है क्लास। नाउ नेक्स्ट वीडियो में डोमेन, रेंज है ना, और जो भी है ना सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आएंगे क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सपोज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन यू मस्ट बी अराइज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।